ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि मैंने कैसे बनाया हनुमान टीजर का रीमेक। कुछ दिनों पहले ये ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, उसी टाइम पर मैंने सोचा था कि इसके कुछ शॉर्ट्स का मैं रीमेक करूँगा, बट कुछ कारणों से नहीं हो पाया। बट फाइनली मैंने अब कर लिया है, एंड ये जो है मैंने पूरी प्रोसेस रिकॉर्ड कर ली थी, तो उसके ऊपर वॉइस ओवर दूंगा एंड आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने इसे बनाया है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत मैंने की हनुमान जी के एक बढ़िया से मॉडल को ढूंढने से। वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मुझे एक बढ़िया सा हनुमान जी का मॉडल ढूंढने में, बट जैसे तैसे मुझे मिल गया ये आप देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ भी एक इशू था कि ये बहुत ज़्यादा हाई पॉली था, एंड अगर आपको पता हो क्योंकि मुझे एनिमेशन रेंडर करना था, तो जितना ज़्यादा हाई पॉली आपका मॉडल होगा उतना ज़्यादा आपका एनिमेशन देर से रेंडर होगा। तो जैसे जैसे मैंने इस चीज़ को अभी इग्नोर करते हुए आगे बढ़ा एंड अपने सीन में इमेज को ले आया कैमरे से, मैंने कैमरे में बैकग्राउंड इमेज की जगह मैंने इस फ्रेम को यूज़ किया, अपने वीडियो से एक कट करके एक फ्रेम को यूज़ किया। देन इस पर मैंने जो अपने क्लिप्स हैं इनको लगाना शुरू किया। क्लिप्स के मॉडल मुझे ब्लेंडर किट से ढूंढने पर नहीं मिले, तो मैंने फिर ब्रिस्क एक्सेल पर गया एंड वहाँ से बहुत सारे जो है सैंडस्टोन क्लिप्स के मॉडल उठाए एंड ब्लेंडर में इंपोर्ट करे, क्योंकि ये एकदम तो रिसेंबल नहीं कर रहे थे एक क्लिप को, बट स्टिल जैसे जैसा बन रहा था तो मैंने उनको लगाना शुरू किया। इसी बीच में मैंने खुद से भी कुछ मॉडल करने की कोशिश की थी, बट वो भी फेलियर रहा। तो फिर मैंने इन्हीं क्लिप्स के साथ कंटिन्यू किया एंड इन्हें लगाता गया, जैसे जैसे एडजस्ट किया इन्हीं को, डुप्लीकेट किया एंड अलग अलग तरह से लगाया। देन इसके बाद मेरा सीन कुछ ऐसा बनते जा रहा था धीरे धीरे, बट देन मैंने रियलाइज़ किया कि मैं यहाँ पर एक दिक्कत कर रहा हूँ। मेरे जो क्लिप्स हैं ये मेरे कैमरे से तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ये आगे पीछे थे, जिसके कारण मुझे लाइटिंग के वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी, जो कि अच्छा हुआ मुझे सही टाइम पर रियलाइज़ हो गया। तो मैंने उनको सही से एडजस्ट किया एंड फिर से यहाँ पर सबको सेटअप करने में लग गया। धीरे धीरे मेरा सीन जो है बन रहा था, एंड उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर देख सकते हैं ओशन ओशन बनाया, एंड इस तरह से मैंने कुछ लाइक आधा एक घंटा स्पेंड करने के बाद ये सीन क्रिएट किया। स्लोली स्लोली मैंने इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया एंड इसी तरह से मतलब करता गया, जैसे क्लिप के साइड्स का था इनको सही करना। देन मैंने क्विक्सल से और ज़्यादा एसेट्स यहाँ पर इंपोर्ट किए एंड उन्हें पीछे बैकग्राउंड में माउंटेन्स के लिए सेटअप करना शुरू किया। एंड इस तरह से कुछ यूँ आधे घंटा बिताने के बाद, एक घंटे बिताने के बाद मेरा सीन बढ़िया बनता जा रहा था। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे लाइटिंग पर मूव करना चाहिए, एंड देन मैंने लाइटिंग शुरुआत की। क्योंकि मैं ईवी के साथ जाने वाला था, तो मैं यहाँ पर लाइटिंग को थोड़ा मतलब यू नो स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि ईवी में ना यहाँ पर साइकिल्स से कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग लाइट यूज़ होती है। तो धीरे धीरे बस बनाते रहा था। बहुत सारे मैंने एचडीआर एक्सप्लोर किए लाइक, जिससे मेरा सीन जितना बेहतर हो सके उतना हो सके, जो कि सीन हमारा मेन ट्रेलर में ऐसा था कि हमारे माउंटेन के पीछे से सन आ रहा है, तो वैसा ही कुछ मैं बनाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया लग रहा था मुझे कन्विंसिंग शुरुआत में, बट जो कि आगे चलकर बहुत ज़्यादा बदलने वाला है। तो बस इसी तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए एंड करीब दो घंटे बिताने के बाद पूरा शुरुआत से लेकर अभी तक मेरा सीन कुछ ऐसा बन चुका था। मैंने कुछ 10-15 मिनट अपने कैमरा सेटअप के लिए किए, मुझे जैसा ट्रेलर में कैमरा मूवमेंट था वैसा का वैसा कॉपी करना था। सिंपल था, एक लोकेशन में मूव करना था एंड हल्का सा कैमरा मूवमेंट था। तो मैंने की फ्रेमिंग की थोड़ी बहुत लाइक 10-15 मिनट्स पर बिताए, क्योंकि मुझे एकदम स्मूथ चाहिए था, कोई लैग नहीं चाहिए था। ऑल्दो मैंने जब रेंडर किया था थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, तो फिर से मुझे रेंडर करना पड़ा। दो बार मैंने इस सीन को रेंडर किया है, जिसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ था, बट स्टिल क्योंकि मुझे अच्छा बनाना था तो मेरी पूरी कोशिश लगी हुई थी। देन क्योंकि मुझे अपना सीन थोड़ा और एम्प्टी लग रहा था नीचे का, तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से ग्राउंड ऐड किया। सिंपली यहाँ पर मैंने इसकी स्क्रिप्टिंग की थी एक प्लेन के ऊपर, तो यहाँ पर मतलब मेरा कुछ पार्ट तो मैं रिकॉर्ड नहीं हो पाया, या तो मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी होगी उस टाइम पर। तो आप देख सकते हैं जितना पार्ट है यहाँ पर मैंने थोड़ी सी यहाँ पर अलग अलग ब्रश यूज़ किए अपना रॉक के, एंड यहाँ पर स्कल्प्ट किया थोड़ा सा ग्राउंड, ताकि यू नो वो थोड़ा सा फिलअप करे मेरे सीन को। एकदम ओशन जो है मेरा फ्लैट लग रहा था, ओशन या सी जो कुछ भी बोल दीजिए आप, तो एकदम फ्लैट लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको ग्राउंड ऐड किया। इन्हीं के ऊपर मैं बाद में जो है पार्टिकल्स ऐड करने वाला था, जिस पर मैं ग्रास यूज़ करने वाला हूँ, जिससे कि ना थोड़ा सा यहाँ पर फिलअप लगे, एकदम एम्प्टी ना लगे। स्टिल मुझे एट लास्ट थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ अपने इस काम से, मैं चाहता तो और इसे बेहतर कर सकता था, बट स्टिल जैसा बन रहा था मैं यहाँ पर बना रहा था इसे। मैंने टेक्स्चरिंग भी यहीं पर लगे हाथों कर दी। टेक्स्चरिंग के लिए मैं ब्लेंडर किट को यूज़ कर रहा था पूरे टाइम, एंड यहाँ से मुझे बढ़िया बढ़िया टेक्स्चर मिल रहे थे। देन दोस्तों मैंने यहाँ पर पार्टिकल सिस्टम ऐड किया अपने हर मतलब जितने भी यहाँ पर लैंडस्केप में जितना भी कुछ था, सब मैं पार्टिकल सिस्टम ऐड किए। एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने ग्रास जो है प्लेन पर ग्रास का टेक्स्चर लगा दिया, ताकि मेरी ज़्यादा यहाँ पर मेमोरी यूज़ ना हो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा वर्टिसेस बढ़ जाती है, फेसेस बढ़ जाते हैं। देन साथ साथ मैंने यहाँ पर एक लो पॉली जो है ट्री का मॉडल भी इंपोर्ट कर लिया था, एंड वो भी यहाँ पर ऐड कर दिए। सेम तरह से मैंने यहाँ पर वेट पेंट किया, आप देख सकते हैं किस तरह से मतलब जो इंपॉर्टेंट जगह पूरे इस पर मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता था, वरना बहुत ज़्यादा लैग हो सकता था मेरे पीसी में। तो इंपॉर्टेंट जगह पर मैंने वेट पेंट किया, एंड इन्हें भी स्लोली स्लोली सब पर मैंने पार्टिकल सिस्टम से बढ़िया जो है ट्रीज़ का मैंने यहाँ पर सेटअप कर दिया। आप देख सकते हैं सब पर मैंने किया, सेम मैंने हमारे हनुमान जी की बॉडी पर भी किया है, अपने जो जो वर्टिकल पार्ट से मतलब जो डायरेक्टली ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे थे उन पर मैंने प्लांट्स और ट्रीज़ जो यहाँ पर ऐड कर दिए। तो इस तरह से सब पर मैंने ऐड किया है।
इसका मैंने बैकग्राउंड में जो एक अनस्प्लैश से जो एक इमेज डाउनलोड किया हुआ था वो यहाँ पर ऐड किया है। सेम यहाँ पर मैंने एक लाइट लैम्प ऐड कर दिया जिससे कि यू नो मुझे बहुत ब्राइट लाइट मिल सके। एंड देन इसके बाद कुछ और माउंटेंस के जो मैंने इमेजेस डाउनलोड किए थे texture.com वेबसाइट से, तो उसका मैं लिंक मिलेगा मुझे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप कर रहे हैं इसे बना रहे हैं तो। उन्हें भी यहाँ पर मैंने ऐड किया है जिससे कि यू नो हल्का सा मुझे डेप्थ फील्ड मिल सके पीछे की तरफ। ये फॉग का जो है मैंने इमेज टेक्स्चर यूज़ किया यहाँ पर जिससे कि मुझे फॉग का जो इफेक्ट मिल सके। तो इस तरह से मेरा ये सीन धीरे धीरे बिल्डअप हुआ है एंड इसे मैंने बनाया है। बहुत ज़्यादा तो डिफिकल्ट नहीं था मेरे लिए, लाइक सही बताऊँ तो मेरे लिए ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर वाटरफॉल भी एक बनाया है जो कि नोट सेटअप है, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नॉइस टेक्स्चर को यूज़ कर मैंने कुछ और उसके साथ ऐड किए नोट्स, देख सकते हैं आप। तो इसका कभी ट्यूटोरियल अगर मैं बना सकूँगा तो बना दूंगा, अभी आप सिर्फ देखने के लिए देख लीजिए। तो इसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया वाटरफॉल को, इससे क्या है ना रियल अगर फ्लूट सिमुलेशन करता तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता। एंड इस तरह से मेरा ये पहला सीन, पहला शॉट तैयार हुआ जो कि कुछ ऐसा था। मैंने सेकंड सीन बनाने के लिए अपने पहले ही सीन में थोड़े बहुत चेंजेस किए, जैसे कि हमारे अंजनी की दूसरी तरफ मैंने फिर से क्लिप्स ऐड कर दी एंड कैमरा मूवमेंट में थोड़ा सा चेंज कर दिया एंड एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स को यहाँ से यहाँ तक एनिमेट कर दिया। ऑल्दो थोड़ा सा फास्ट हो गया था बट उस टाइम पर व्यू पोर्ट में मुझे ये बढ़िया लग रहा था, और ऐसा होता ही है क्योंकि व्यू पोर्ट में जो आपको ठीक लगता है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है फाइनल रेंडर में। सो उसके लिए मैं फिर से रेंडर नहीं कर सकता था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस थी। देन ये सीन बनाया कुछ 10-15 मिनट के बाद, फिर मैंने अपने केव वाले सीन पर काम करना शुरू किया। ये वाला सीन मुझे पर्सनली बताऊँ तो बहुत अच्छा लग रहा था अपना ट्रेलर में। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक केव बनाई, इसके लिए मैंने आइकोस्फीयर लिया एंड उसमें रॉक ब्रश की मदद से थोड़ी सी स्कल्पटिंग की। देन उसके बाद यहाँ पर हमने अंजनी की दूसरी मूर्ति ली है, उनकी जो पीछे टेल है उसको मैंने थोड़ा सा एनिमेट किया ताकि थोड़ा सा यू नो लाइफ आ जाए अपने सीन के अंदर। देन यहाँ पर एक आइस स्फीयर बनाया, थोड़े से यहाँ पर आइस यहाँ पर ऊपर से स्पाइक्स लटका दिए मैंने एंड यहाँ पर थोड़े और क्लिप्स ऐड किए एंड मेरा सीन बन गया। देन पीछे मैंने यहाँ पर अपना कैमरा एनिमेशन के आइट साइड में थोड़ी सी क्लिप ऐड की जो कि मैंने पहले यूज़ की हुई थी, उनको ऐड यहाँ पर कर दिया। कैमरे में एनिमेशन मैंने लोकेशन एंड रोटेशन में थोड़े थोड़े डाले एंड थोड़ा सा यहाँ पर लाइट पीछे ऐड कर दिया एंड एक प्लेन लाइट यहाँ ऊपर यूज़ किया है मैंने एंड साथ ही साथ वॉल्यूमेट्रिक्स यूज़ कर लिया जिससे कि मेरा सीन फिलअप लगे। एंड इसी तरह से लाइक 15-20 मिनट में मैंने ये सीन बनाया एंड ये सीन और पिछले दो सीन मिलाकर जो है बढ़िया बन तो गया था बट स्टिल थोड़ा छोटा लग रहा था मुझे एनिमेशन। तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया कि एक और फाइनल सीन एट लास्ट मैंने आधे घंटे में रेडी किया। इसके लिए मैंने स्केच फैब से हनुमान जी की एक मॉडल उठाया जो कि एकदम कन्विंसिंग तो नहीं था बट स्टिल काम चल रहा था मेरा। मिक्सामो से एक रिग यूज़ की मैंने जिसमें एक बढ़िया सा एक्शन था, उसे मैंने यहाँ पर इस वाली रिग को दिया एंड ये एक्शन कुछ मैंने यहाँ पर रीपरफॉर्म कराया। उनके हाथ में मैंने एक मेज पकड़ा दिया, थोड़ा सा सीन अच्छा लगे इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा एनिमे स्टाइल यूज़ किया है, अपने क्लाउड्स यहाँ पर एनिमे स्टाइल में यूज़ किए, थोड़ा सा स्टार्स पीछे ऐड कर दिया एंड एक बड़ा सा मून ऐड कर दिया। ऑल्दो ये मेरी गलती थी, लाइक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे ये मून बाद में, बट अब मैंने बना दिया था तो मैं इसके साथ कुछ करने नहीं वाला था। एंड इस तरह से मेरा पूरा सीन बना। इसे बनाते वक्त लाइक जितना रियल हो सके उतनी मैंने कोशिश की थी बट देन मैंने रियलाइज़ किया कि लाइक इतनी बड़ी बजट वाली मूवी है ये एंड मैं एक अपने छोटे से लैपटॉप में एकदम वैसा तो वैसा नहीं बना सकता। तो मैंने फिर जैसा मेरा बन रहा था लाइक मैं जितना बेस्ट बना पा रहा था उतना मैंने बनाया एंड ये कुछ मेरा सीन बना है, लाइक देख सकते हैं यहाँ पर। तो कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, पर्सनली मुझसे पूछो तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ ऐसे बनाने के बाद, मैं और बेहतर कर सकता था बट कुछ पर्सनल इश्यूज थे, टाइमिंग का प्रॉब्लम था तो मैं नहीं कर पाया। बट दोस्तों बहुत और भी बहुत नेक्स्ट लेवल एनिमेशन आने वाला है जिस पर मैं काम करने वाला हूँ शुरू बहुत जल्द। तो अगर आपको देखना है मैं कैसे क्या बनाने वाला हूँ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्दो ऐसे ऐसे वीडियोज़ डालता रहता हूँ महीने में दो चार, तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।